जीना बस यूं ही रहने की जगह अरेंज हो जाए तो सर मैं बेशक इनके साथ जाके रहूंगी, सिर्फ एक मौके की तलाश है सर। लेकिन तुम्हें इसके लिए लाहौर जाना। आंखों में लेके सपनों का जहां। तुम्हारा अपना कमरा होगा, गाड़ी होगी, तुम जहाँ चाहो आ सकती हो, जा सकती हो, और मंथली तुम्हें 150,000 दूंगी। गुड मॉर्निंग गर्ल। मैं तुम लोगों को 4 मिनट्स एंड 35 सेकंड्स देती हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फौरन से पहले लाउंज में पहुंचो, मैं तुम लोगों की बुक्स लेके जा रही हूँ। ओके पुअर इमान, तुम यहाँ बैठी वेट करती हुई कितनी क्यूट लग रही हो, बट सॉरी वो तो चली गई। चली गई? कैसे चली गई? बट मैंने तो उनको कहा था कि 4 मिनट 20 सेकंड में उन्होंने। जस्ट काम डाउन डियर, उनकी वजह से ज्यादा टेंस होने की जरूरत नहीं है। तुम फिलहाल ये चाबी पकड़ो और लाहौर घूमने जाओ। God, इमान तुम यहाँ लाहौर में? I can't believe it. मेरे कहने पे तो वाकई लाहौर आ गई हो। ज़्यादा ओवर होने की ज़रूरत नहीं है, जॉब के सिलसिले में आई हूँ। यानी कि तुम्हारी नेक्स्ट जॉब लाहौर में हो गई है? हाँ, एक अरबपति खातून के ग्रैंड डॉटर्स की ट्यूटर बनने की जिम्मेदारी मैंने उठा ली है। What? ट्यूटर? तुम राइटर बनने निकली थी और ट्यूटर बन गई? राइटर बनने के लिए ही ट्यूटर बनी हूँ, बस ये समझो कि किसी मजबूरी के तहत ये जॉब करनी पड़ी। वैसे वो दोनों लड़कियाँ हैं कौन जिन्हें तुम पढ़ा रही हो? यार दो क्रेजी से लड़कियाँ हैं, सजीला खान और रिदा खान। ओह माय गॉड, वो दोनों स्पॉइल्ड ब्रैट्स। तुम उनके बारे में जानते हो? उनकी फैमिली को कौन नहीं जानता, लेकिन लगता है कि तुम अभी तक उन्हें नहीं जानती। गुड लक। खैर इतनी भी शैतान नहीं है, ये बात तो सच है कि पहले दिन ही उन्होंने मुझे दिन में तारे दिखा दिए थे, शायद मुझे एहतियात करनी चाहिए थी। खैर एनीवे, मैं उनके लिए नहीं उनकी नानी के लिए जॉब करती हूँ, एंड मैडम फरियाल एक अमेजिंग खातून है, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं तो सोच रही हूँ कि अपना अगला फीचर उन्हीं के ऊपर लिखूँ अगर पॉसिबल हुआ तो। बट यू नो उन्होंने मुझे एक ऐसी डील दी कि मैं रिफ्यूज़ ही नहीं कर पाई, और उन शैतान लड़कियों को ट्यूटर करने की मैंने डिसीजन ले ली। खैर लगता है तुम्हारा इस दफ़ा राइटर बनने का ख्वाब ज़रूर पूरा होगा। अच्छा बताओ क्या ऑर्डर करना है? भाई वही इम्पोर्टेड ऑस्ट्रेलियन स्टेक जिसकी तुम हमेशा बात करके मेरे मुंह में पानी ले आते हो। वो तो मैं तुम्हें घर पर भी बनाकर खिला दूंगा, आपस की बात है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है मैंने कौन सा पे करना है? रियली लगता है फरियाल खान की स्पॉन्सर्ड लंच डील है। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे रेस्टोरेंट में आके खाना खाऊंगी तो मैं तो पे नहीं करूंगी ना। एक्सक्यूज मी, मैडम को एग्जिट पॉइंट दिखाइएगा। ताऊ कितने बदतमीज हो तुम। अच्छा तुम भी क्या याद करोगी,
तुम्हारा ऑर्डर मैं 10 मिनट में भिजवा रहा हूँ। अगले 10 मिनट में आई एम श्योर तुम खा चुकी होगी और तब तक मेरा ड्यूटी टाइम भी ख़त्म हो गया होगा। फिर कहीं चलते हैं, बैठ के बात करते हैं। ऑलराइट, आप वेट कीजिए, आपका मैं इम्पोर्टेड बीफ स्टेक अभी भिजवा रहा हूँ। थैंक यू। तुम्हारी बहन वरीशा को पता है तुम लाहौर आ गए हो? नहीं, और उसे बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मगर क्यों, कहीं पे मुलाकात भी तो हो सकती है। ये कॉन्वर्सेशन हम बाद में करेंगे, लड़कियां वापस घर आ गई, हैव टू गो। रियली सॉरी। सॉरी। तुम फिर हसन को टेक्स्ट कर रही हो ना? नहीं, मैं सिर्फ देख रही हूँ कहीं उसका कोई टेक्स्ट तो नहीं आया। तुम जानती हो ना हसन हमारे कैलिबर का नहीं है, उसके बावजूद तुम उसे टेक्स्ट कर रही हो। शुक्र करो जब उसने तुम्हें प्रपोज किया था ना, मैं वहाँ पे नहीं थी, वरना मैं ज़रूर उसे गाड़ी के नीचे कुचल देती। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ ना, तब मैं ज़रूर ऐसा करने वाली हूँ। हाँ, जिसके बाद तुम जेल चली जाओगे और उसके बाद हम दोनों को पिंक बेरी मोमेंट्स गुजारने का मौका नहीं मिलेगा। वैसे ये पिंक बेरी मोमेंट्स क्या हैं? अ कॉन्वर्सेशन जिसमें आपको दखल देने के लिए नहीं कहा गया और ना ही आपको दखल देना चाहिए। ओके, फेयर इनफ। तो क्या ख्याल है, ये सब छोड़ के कुछ पढ़ना चाहिए? किताबों को अभी और इंतजार करने दें, क्योंकि हमारे वर्कआउट में अभी 40 मिनट और लगेंगे। देखो, मुझे मजीद अपने स्केड्यूल में मत कंफ्यूज करो और ना ही उसमें इन्वॉल्व करो। तुम लोगों ने एक्सरसाइज करनी है और मैंने अपना काम करना है। तो आज का जो तुम लोगों का चैप्टर था, जो हमने तुम लोगों की बुक्स के थ्रू पढ़ना था, वो था डिसऑर्डर्स। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डिलूजनल बिहेवियर को, जो बहुत ही हसास जहन के लोगों को होता है। वाओ, तो यानी तुम लोगों ने अपनी किताबें खोल के पढ़ी हैं? मैंने कुछ पेजेस को सरसरी तौर पर देखा है, और वैसे भी नाम से ही पता चलता है कि डिसऑर्डर ऐसे लोगों को होता है जो कि एस्पिरेशन और इंस्पिरेशन के बीच में कहीं उलझे हुए होते हैं, और कभी खौफ उन पर गालिब आ जाता है और कभी मोहब्बत। वाओ, है तो बड़ी इंटरेस्टिंग थियोरी, लेकिन ये शायद सर स्लाइटली डिफरेंट डिसऑर्डर है। डिल्यूजनल बिहेवियर के अंदर इंसान अपनी सेंसिटिविटी की वजह से इल्यूजंस का शिकार हो जाता है। क्यों ना हम कुछ और डिस्कस करें? जैसे कि क्या? सम फन स्टफ। जैसे? जैसे हमारी न्यू ट्यूटर इमान हसन, जिन्होंने सादी पब्लिक स्कूल से अपना ए लेवल्स किया और बहावलद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, और जिसके फाइनल थीसिस का टॉपिक था कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर एंड ह्यूमन नेचर। वाओ, तो यानी तुम दोनों ने मुझे गूगल किया है? हमने सिर्फ कोशिश की, लेकिन आप किसी भी वेब ब्राउजिंग में नहीं पाई जाती हैं, ना ही किसी सोशल नेटवर्क में आपकी कोई खास पोस्टर, ना ही कोई पिक्चर। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं कि बॉयफ्रेंड्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? कोई है या कभी रहा हो? ना ही है और ना ही कभी रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल, कभी आपको किसी से मोहब्बत नहीं हुई? खैर, मैंने ऐसा भी नहीं कहा। तो फिर आप हमसे अपनी मोहब्बत की कहानी छुपाना चाहती हैं? छुपाने का कोई फायदा नहीं होना और बताने से कोई फर्क नहीं पड़ना, तो जो बात तुम लोगों को कल पता चलनी है वो आज ही बता देती हूँ। और यही तो हम चाहती हैं। सच तो यह है कि मेरा एक मंगेतर था। था? हाँ, मंगेतर था। अब वो मेरी बहन का मंगेतर है या था, आई डोंट नो। ओह, तो क्या मतलब, आपकी बहन ने आपका मंगेतर आपसे छीन लिया? कह सकती हो, लेकिन इस स्टेज पे अब मुझे इस बात की कोई खास परवाह नहीं है। That's really a tragic story. खैर, तुम दोनों बहुत लकी हो कि तुम दोनों इतनी क्लोज हो, तुम दोनों का इतना खूबसूरत रिश्ता है। काश जिस तरह का रिश्ता तुम दोनों का है, मेरा और वरीशा का भी होता। तो आपकी बहन का नाम वरीशा है? लेकिन खैर, बहुत हो गई ये गपशप और मेरी लाइफ की स्टोरी डिस्कस। अब थोड़ा सा आते हैं अपने काम की तरफ। हम डिस्कस कर रहे थे डिल्यूजनल डिसऑर्डर। अब मैं कुछ मिसालों के साथ बताऊंगी कि डिल्यूजनल डिसऑर्डर किस किस्म के लोगों को होता है और किस तरीके से इस प्रॉब्लम को काउंटर किया जाता है। इजहार हनी, इजहार अपनी जात का, अपने होने का, कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, लोगों पे रोब झाड़ने का, उन्हें इम्प्रेस करने का। जीना बस K
क्या प्रोग्रेस है सजीला और रिदा की? मैम इट्स गोइंग वेरी वेल. जो बुक हमने स्टार्ट की थी वो हमने कंप्लीट कर ली है एंड एक्चुअली वी आर कंप्लीटली ऑन स्केड्यूल. गुड. वैसे ईमान मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरे नज़दीक इस बात की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है कि तुम्हारा स्केड्यूल क्या है. मेरे नज़दीक अहमियत है कि रिदा और सजीला के ए ग्रेड्स आना, और ये बात मैं तुम्हें पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ. नो मैम. यस मैम, आप बिल्कुल क्लियर कर चुकी हैं और मुझे इस बात का पूरी तरह से एहसास है. मुझे एक चैरिटी इवेंट्स के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करने हैं. मैम वैसे आई हैव टू से कि मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ जिस तरीके से आप एक्टिवली अपने आप को इतना बिजी रखती हैं, इतनी होशमंदी से. होशमंदी नजर भी आनी चाहिए क्योंकि अपीयरेंस ही सब कुछ है. अपीयरेंस इज एवरीथिंग, यही मेरी बुक का टाइटल होना चाहिए. बल्कि मैं अपनी पहली किताब फरियाल खान पे लिखूंगी. रिदा तुम्हें क्या लगता है क्या है ये जिंदगी को देखने का एक नया विजन, नई अप्रोच, एक नई दुनिया? माय गॉड, डू यू रियली थिंक सो? एब्सोल्युटली यार. सेज मैं सोच रही थी कि वो तुम्हारा क्या ख्याल है, ये सब कुछ वेस्टेज ऑफ टाइम है या तुम्हें लगता है इट्स जस्ट फॉर फन? और अगर ग्रानी को पता चल गया तो? ओ यू चिकन, जरा सोचो, लाखों की तादाद में छपने वाले मैगजीन्स पर हमारी फोटोज पब्लिश होने का मतलब क्या है? विल बी फेमस स्वीटी. लेकिन ग्रानी को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा. हमारे पिक्चर्स का इस तरह से मैगजीन में आना वो पसंद नहीं करेंगी. इट डजंट मैटर, ग्रानी को भी मना लेंगे. सेज, हम ऐसी मॉडलिंग करेंगे भी क्यों? I will just forget about it. हम ऐसे क्यों करेंगे? इजहार हनी इजहार, अपनी जात का, अपने होने का, कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, लोगों पे रोब झाड़ने का, उन्हें इम्प्रेस करने का. खुद ही देखो, जब भी ग्रैनी की कोई फंक्शन या पार्टी होती है तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किसे मिलती है? सेलिब्रिटीज को मेरी जान, सेलिब्रिटीज को. तो बताओ, ये एडवेंचर पसंद नहीं आया? हाँ, क्यों नहीं. तैयारी मुकम्मल है या कुछ रह गया? सब हो गया, बस मैं चेंज कर लूँ. और तुम भी? ठीक है. बाय द वे, डू यू नीड सम एडवाइस? कोर्स नॉट. सेज, एक बात बोलूँ? बोलो. यू आर रियली स्मार्ट. वो तो मैं हूँ एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट. मे आई हेल्प यू? यप, वी आर हियर फॉर अ शूट. लेकिन आज तो हम पोर्टफोलियोज नहीं कर रहे. हम किसी पोर्टफोलियो शूट के लिए नहीं आए हैं, हम तो यहाँ मैगजीन के शूट के लिए आए हैं. ओह आई सी, तो आप हैं वो दोनों जो लास्ट टाइम ऑडिशन में सिलेक्ट हुई थी. यस यू आर राइट, वी आर द कवर गर्ल्स. यू शुड बी, बहुत तारीफ सुनी है आपकी. आप बैठे, मैं शहजाद साहब को बुला के लाता हूँ. डिड यू सी दैट? अभी हम कवर पे आए नहीं यार, कितनी रिस्पेक्ट है हमारी. सोचो जब हम कवर पे आएंगे तो क्या होगा. साउंड्स ग्रेट, मगर नो अगर मगर. एक्ट लाइक अ टॉप मॉडल. Hello girls, how are you doing? We are good. Looking so fresh, that's great. मैं भी इनसे यही बात कर रहा था कि अगर आप लोग professionally और मेहनत से काम करें तो you can definitely be the top models of Pakistan. Thanks.
Okay, good. So where to start from? Kuch missing tha aapke details mein. Let me just check your form again. Oh yes, aapke form par parents ke signatures nahi hai. Why is that so? Is that important? Of course it is important. Kyunki aap log below 21 hai, so we do need those signatures. Agar signature nahi honge to hamara shoot nahi hoga. Well, sorry, but I would have to say no then. Chale. Hold on, wait a minute. Mr. Shahzad, don't you think it's a very tough condition? I mean, Pakistan mein aur kahan aisa hota hai? Shayad isiliye hamara media itna peeche reh gaya. Sab logon ko lagta hai ye sab ek khel tamasha hai. Hamari industry ko kisi kaide kanoon ki zarurat hi nahi hai. Jabki jin mulkon mein is baat ka ehsaas hai, wo kahan se kahan chale gaye. Khair, chodo, ye ek lambi bahas hai. Listen, if you can get that signed, to theek hai. Otherwise, I have to get back to my shoot, okay? Ek minute. वो एक्चुअली ना हम जब बहुत छोटे थे ना तो हमारे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी. ओह आई एम सो सॉरी बट कोई गार्डियन तो होगा. नहीं मेरा मतलब नहीं मैं ला सकती हूँ. गुड उन्हें बुलाएं. इन द मीन टाइम आप रिलैक्स करें एंड गेट योर मेकअप डन. इनके गार्डियन आते हैं तो आप उनसे फॉर्म पे सिग्नेचर्स ले लें और इन्हें मेकअप रूम में ले लें. ठीक है तशरीफ लाएं. आप चलें हम आते हैं. ओके Guardian, कहाँ किधर? What's going on? Don't panic, honey. Just chill. मुझे कुछ सोचने दो. मैं आ रही हूँ लेकिन at least मुझे बताओ तो कि हुआ क्या है? मैंने कहा ना सवाल जवाब में टाइम मत वेस्ट करें. हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है. क्या? जीना बस यू ही. शाइस्ता सजीला और रिदा कहाँ हैं? I'm sorry. I thought कि आप शाइस्ता हैं. It's okay. Actually, मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं हूँ. हाँ वो तो मुझे नजर आ ही रहा है. My name is Imaan. मैं सेज और रिदा की नई ट्यूटर हूँ. उनको पढ़ाने आई हूँ. Oh, I see. I'm Ali. I'm an omelet taster. यानी यहाँ पे खाना टेस्ट करने के लिए भी लोग हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है. Actually, मैं ऑमलेट स्पेशलिस्ट हूँ. और इस घर का एक प्रॉब्लम है कि अगर यहाँ स्मेल आ जाए ना तो वो मैडम की सूंघने की इस बहुत तेज है. सब कुछ खत्म. यानी कि आप कोई ऑमलेट टेस्टर नहीं हैं. आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं. वेल आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हूँ? इमान तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना. अली हमारा नेबर है. मैम फिरियाल खान के शोहर का भतीजा. रिदा और सजीला का फर्स्ट कजन. Oh, cousin and neighbor. अली के बहुत सारे शौक हैं, जिनमें से एक है मेरी नई नई रेसिपीज को टेस्ट करना. भाई ये बंदी बहुत कमाल की शेफ है. लाहौर में इस जैसी कोई नहीं. वो तो मैं जान ही गई हूँ. ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि मैं शायस्ता को अफोर्ड कर सकता तो मैंने अपनी पर्सनल शेफ रख लेता. इमान तुमने अली को बताया कि तुम राइटर बनना चाहती हो? ओह रियली? यू नो व्हाट? इसके लिए आपको मेरे डैड से मिलना चाहिए. पता है वो रिसेंटली एक पब्लिशिंग कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं. ओह डेफिनेटली मिलूंगी बट आज मैं जरा बिजी हूँ. सेज और रिदा को पढ़ाना है. हाँ हाँ तो मैं भी कौन सा अभी आपको अपने डैड से मिलवा रहा हूँ. एक्चुअली ही इज आउट ऑफ कंट्री. डेफिनेटली मैं उनसे मिलना चाहूंगी. शाइस्ता बस सजीला और रिदा कहाँ हैं? हाँ वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर गई हैं. बाहर फ्रेंड्स? बिल्कुल फोकस नहीं करती हैं लड़कियाँ. I think जब तक वो लोग वापस आती हैं मैं आपको आपका नेबरहुड दिखाता हूँ. I'm sure you will feel relaxed. Actually Imaan he is a nice guy.
और तुम तो रिदा और सजीला जैसी नेचर की लड़कियों को बर्दाश्त कर लेती हो। ये तो फिर भी बहुत कोऑपरेटिव माइंड का बंदा है। ओह वेल, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना कोऑपरेटिव हूँ, लेकिन शायस्ता जी जो कहती हैं मैं मान लेता हूँ। आप भी मान लें तो चलें। सो सॉरी, फिर कभी चलेंगे, अभी गर्ल्स की कॉल आ गई है। हेलो। हेलो, हाँ आप सजीला? हेलो मिस इमान, किधर हैं आप? आप जल्दी से आ जाए प्लीज। क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों साउंड? कुछ ना पूछे, बस जल्दी से आ जाए आप इस एड्रेस पे जो मैंने आपको भी टेक्स्ट किया है। आ जाए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं आ रही हूँ, लेकिन एटलीस्ट मुझे बताओ तो कि हुआ क्या है। मैंने कहा ना सवाल जवाब में टाइम मत वेस्ट करें, हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या, ना उनकी माँ है ना ही बाप है। I feel really bad for them, यार। तुम उनका होमवर्क करवाओ, अपना पेचेक लो और अपनी लिखाई की दुनिया में वापस आ जाओ। यानी कि तुम जानती थी कि कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए तुमने फरियाल को वो फॉर्म नहीं दिया। उस डिनर में यहाँ के वो तमाम तोप किस्म के लोग शरीक होंगे, जिनके कद को देखने के लिए अगर सर उठाओ ना तो टोपी नीचे गिर जाए। या आपको कोई कॉल करके बताता, या वर्स येट किसी अखबार की हेडलाइन न्यूज होती कि फरियाल खान की ग्रैंड डॉटर्स अब मॉडल्स बन गई।